आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाए जाने को लेकर जिलाधिकारी आशीष भंडगाई ने सभी अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित तैयारी बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। कई लोगों के त्याग व बलिदान के चलते हमें राज्य की प्राप्ति हुई है। ऐसे में हम सभी का फर्ज बनता है कि आंदोलनकारियों के सपनों के राज्य का निर्माण करें। बैठक के दौरान सीनियर सिटीजन संगठन ने राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम के साथ आयोजित करने को लेकर अपने सुझाव दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, सीनियर सिटीजन संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल, नरेंद्र खेतवाल, DFO, ADM, SDM सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक का संचालन CDO RC तिवारी ने किया। आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक रखी गई थी। उसमें बैठक की जो पूर्व की रूपरेखा के अनुसार ही यहाँ पर बैठक में चर्चा हुई और सबसे पहले जो राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा प्रभात फेरी से सही स्मारक में श्रद्धांजलि से, उसके बाद वो प्रभात फेरी नुमाइश मैदान में आएगी। उसके पश्चात वहाँ पर जो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम रखे जाएंगे, इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे और विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो प्रथम चयनित छात्रों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। और जिस भांति प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी राज्य स्थापना दिवस को एक भव्य रूप से मनाया जाएगा। मैं सभी जनपदवासियों को आने वाले पर्व धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ये राज्य बनेगा 24 साल को, इसके लिए मैं सब पूरे जितने भी हमारे राज्य आंदोलनकारी थे, जितने दुकानदार थे, जितने व्यवसायी थे, सब ने अपना सहयोग दिया, इसलिए सब सबको बधाई देता हूँ। और जो दिवंगत आत्मा इसमें हुई थी राज्य बनाने में, उनको भी आज मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। पाटी मैं अभी हमारे जो बात हमने DM साहब से हमने में रखी है, वो हमेशा उन्होंने भी अपसेट किया कि मैं हमेशा जो है स्वरोजगार कैसे होगा, क्या होगा, कैसे यहाँ के जो हमारी मूलभूत समस्याएं थी, जो राज्य बनने से हमारे जो आंदोलन था, राज्य क्यों बना, हमें ये अवधारणा आज सोचना चाहिए। राज्य हमने इसलिए बनाया था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी को कैसे हम उसका यूज करें। आज भी तो पहाड़ की जवानी रुक रही है और पहाड़ का पानी रुक रहा है, ये बड़ी समस्या है। और हमने एक ही मांग की DM साहब में, मैंने कहा कि आप बच्चे से हम भी पूछ रहे हैं कि बच्चों को कह रहे हैं हम तुम रोजगार करो, भाई उनको भी पूछा जाए वो क्या चाहते हैं। इसलिए मैंने एक निबंध प्रतियोगिता कराई कि पहाड़ की रोजगार पर संभावना, DM साहब ने कहा बहुत अच्छी वो बातें कही और इस पर जो है निबंध डिबेट कराई। तो ये एक हमारी पीड़ा है और इसमें मेरी पीड़ा को माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने कहा कि ये हर्ष मंच वक्त खेतवा जी अपनी बात करते हैं तो मेरी एक पीड़ा भी है। और नशा की बात करते हैं, आज हम कहते हैं बच्चे को नशा मत करो, जब रोजगार ही होगा नशा करेगा, तो इसलिए हम इसे निवेदन करने जाते हैं कि आज हमारे जो है कैसे हमारे प्लान रुके और कैसे हमारे रोजगार को रोजगार मिले, ये मेरी संभावना है और इस पर मैं अपनी वाणी हमेशा बेहतर हूँगा। इसको लेकर एक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है जिसमें समस्त विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है और उसमें रूपरेखा निर्धारित की गई है कि किस तरीके से प्लानिंग किया जाएगा और इसको काफी हर्षोल्लास से मनाने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।